Good morning everyone, so I hope everyone is doing good. Welcome to our channel. आज बज रहे हैं 8:53 and it's Tuesday 21 March. So मैं अभी फ़ोन में टाइम देख रहा था और सुबह के 8:53 बज रहे हैं. मस्त सुहाना मौसम है. We are in Kochi. So welcome from Kochi. And अभी हम प्लान कर रहे हैं कोई तो भी नियरेस्ट लोकेशन पे जाके आए हैं, थोड़ा घूम के आए. सो लेट्स सी. आई एम ट्राइंग टू शो यू सम कंटेंट. तो आज अपना डे टू है वैसे, और मतलब प्रैक्टिकली देखने तो डे टू है. ऑफिशियल वर्क की वजह से आए हम तो उसकी वजह से कल टाइम नहीं मिला. सो फ्रॉम डे वन, सो ब्लॉग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. सो आज डे वन ही है आज से. So stay tuned with us. We'll be going to some nearest point and I'll show you the places in Kochi. क्या क्या घूम सकते हैं, क्या cafes है, ज़्यादा कुछ. Let's see what happens, how it goes. Okay. So guys, अभी हम निकले अपने hostel से. So ये hotel apartment है Sapphire, आप देख सकते हो. अच्छी property है. And बेसिकली अभी मतलब ये इन लोगों ने चेकआउट चेक इन टाइम ऐसा कुछ रखा नहीं स्पेसिफिक, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी है. लाइक आपको आपका किचन मिलता है, रूम मिलता है, मतलब गर्म पानी वगैरह सब कुछ अच्छे है एंड रेट्स आर रीजनेबल. तो मैंने एक वीक के लिए ये प्रॉपर्टी बुक की है एंड टिल नाउ द एक्सपीरियंस इज गुड. अभी पास में अपने यहाँ पे फाइन मार्ट है, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोग मिल रहे हैं. वहाँ से अभी अपना प्लान है क्वीन आइलैंड या फिर विलिंगटन वॉक पे जाने का. सो चलो मिलते हैं वहाँ पे. सो गाइस, अभी हमने कैब बुक कर ली है एट और हम लोग जा रहे हैं क्वीन वॉक पे. सो अपने दो साथीदार ऐश्वर्य एंड लक्ष्य वहाँ पे एक मिडल स्टॉप पे रुके. सो उनको पिक करके विल बी हेडिंग टूवर्ड्स पिन वॉकवे. गर्मी ज़बरदस्त है सुबह सुबह. टेम्परेचर इट विल बी अराउंड, देखते क्या टेम्परेचर है. अभी हम पहुंच गए कौन सा आइलैंड है, सॉरी क्वीन वॉक वे. सो ये हमारे फ्रेंड्स लोग, ही इज लक्ष्य, ऐश्वर्या शी इज डाइट कॉन्शियस एंड ये अपना शुभम शाह. सो ये देखिए कितना प्रीटी वेदर है यहाँ पे. अभी तो धूप लग रही है पर थोड़ा हवा भी चल रहा है मस्त. सो ये सामने शायद ये चाइनीज़ नेट है. ये सामने वाला चाइनीज़ नेट है ना रे? सामने वाला चाइनीज़ नेट है. सो पीपल आर डूइंग फिशिंग हियर. मस्त है जगह, लेकिन शाम को आने जैसी ये रिकमेंडेड है जनरली. दिन में तो धूप बहुत ख़तरनाक धूप है. चलो विल टेक सम वॉक वे. यहाँ पे लोगों का फिशिंग का सीन है. लक्ष्य मच्छी पकड़ने जाने का क्या अपने को? छलांग कहीं बोट में भी जाएंगे ना मच्छी पकड़ने? नहीं, इनके पर्सनल है ना, ये थोड़ी लेके जाएंगे. तो अपने पर्सनल बोट बनाएंगे उसको, उसमें क्या. निकालो फोटो मत शर्मो. सो गाइस, ये पेड़ कौन सा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं इसके, पिंक कलर्स के. और लोगों को यहाँ पे शूटिंग चालू हो गई है. तो पीपल आर पुटिंग ऑन द स्टोरीज ऑन इंस्टा, वी आर इन दुबई. कमेंट डाउन गाइज,
और कुछ सजेशन रहेगा कोची में क्या क्या देखने जैसा है, वी विल बी ट्राइंग टू कवर दैट। सो अंकल अभी यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ सॉरी, तो वो ऊपर कर रहे तो ऐसा मुंह पे लगेगा, ही इज टेलिंग। क्या लगा रहे हो, व्हाट इज दैट वी आर पुटिंग ऑन दैट? अभी आया। हाँ अभी आया, अभी आया, ओके। सामने दिख रहा है आपको वो है चाइनीज फिशिंग नेट्स। सो लाइक इट वॉज इन एंशंट फिशिंग टेक्निक जो कि जनरली कोची का एक आइडेंटिटी है, फेमस आइडेंटिटी। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो लोग फिशिंग कर रहे हैं, कपल्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वॉकवे पे, एंड गुड प्लेस आई थिंक। सो ये शाम को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, एंड you can spend good quality time with your dear ones. So basically मैं आपको चाइनीज फिशिंग नेट्स पास से दिखा दूँ, ये सामने देखिए। तो दिस इज मोस्टली नोन इन कोची, तो ये कोची में ज़्यादा देखते लोग, मतलब यहाँ पे फिशिंग वगैरह फिशिंग वगैरह इससे ज़्यादा होता है। गाइज और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है हमारे पास से, लाइक वी विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ कैब फैसिलिटी यहाँ पे इन कोची, इट्स टू कॉस्टली। लाइक फॉर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स दे आर चार्जिंग 300-400 रुपीज़। सो बेटर वी आर रिकमेंडिंग लाइक कि आप कोई स्कूटर या बाइक रेंट कर लो, विच दे कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़ फॉर अ डे, 200-300 डिपेंड ऑन द सप्लायर, वो जो भी बोलते हैं उसको, एंड दैट इज़ बेटर कि आप घूम सकते हो उससे। तो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं काफ़ी जाने का, क्या क्या करने, मतलब कार कैब करना है, स्कूटर लेने। मैडम जी को हंसने को आ रहा है। Many unbearable hours later. अभी आए हैं लुलू मॉल, जो कोची का सबसे बड़ा मॉल है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं बॉलिंग विलिंग का क्या सीन है, क्या थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो भाई आए बगैर ये लोग कोस्टा में, अरे क्या है ये कोस्टा में, अरे हिंदी गाइस आए वगैरह डायरेक्ट कोस्टा में घुस गए क्या तुम? अरे नहीं, बड़े लोगों के बड़े शॉप, लोग कोस्टा में कॉफ़ी ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू कोस्ट, आई वॉज अवेयर, मुझे इतनी प्यासी लगी है। वहाँ पे ही ले रहा था तुम लोग, मतलब वहाँ पे बोलने वाला था कि लगी, लेकिन भाई चल रहा है किधर, बॉलिंग किधर चल रही है? बॉलिंग चलो टॉप पर पानी पिलाना है। एक काम करो, रेस्ट रूम देखो यहाँ पे कहाँ पे, यू विल गेट दैट।
देखो अगर अभी बर्गर किंग पिज़्ज़ा हट जाएंगे गेमिंग सेक्शन, थोड़ा गेमिंग करेंगे बॉलिंग वगैरह अभी अच्छा वैसे रीबॉन्ड रिबॉन्ड शायद ये किस चीज़ का रिबॉन्ड राइड है कौन सा राइड है वो होता है डैशिंग कार्ड के नहीं फिर ग्राउंड में था हाँ उसमें ऐसे पीछे कट जाती है और गोल गोल घूमता और अचानक से नीचे से पूरा ओके अच्छा खासा बड़ा मॉल है गुड मॉल नाइस सेटअप ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो अभी आए हैं हम बॉलिंग करने लुलू मॉल में लक्ष्य भाई हमें बॉलिंग करवा रहे हैं अभी तो 125 पर पर्सन यहाँ पे है बोल रहे हैं शूज के चार्जेस कितने फ्री ऑफ कॉस्ट वही है ना ठीक है घर पे लेके जाएंगे सो ये शूज़ अभी पहनने वाले लक्ष्य भाई पहन लो तो ये अभी कंपटीशन स्टार्ट कर रहा है लक्ष्य किसके किसके में डाले शुभम वैसे शुभम तो यहाँ पे शुभम वैसे शुभम तो वहाँ पे डालने का था ना तो शूज़ पहनते और मस्त अभी थोड़ा बॉलिंग विलिंग करते अभी लास्ट ट्राई अभी कितनी है 19-16 सो गाइस अभी स्कोर चल रहा है नेक टू नेक शुभम शाह और मेरे बीच में अभी शुभम शाह डाल स्कोर कवर कर लिया इसने मज़ा आ रहा है बॉलिंग करने में बहुत दिनों बाद अभी बॉलिंग कर रहे हैं 125 पर पर्सन वर्थ इट ठीक है 40 राउंड 20 राउंड रहते हैं सो देखते हैं अभी मैं भी बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ बॉलिंग तो लेट्स सी तो आपका भाई जीत गया है स्कोर्स पे मेरे को स्कोर जीता तो मैं अभी अरे भाई साहब और यहाँ पे दिखा दो तो आपका भाई जीत गया यहाँ पे भी शुभम शाह हार गए हैं तो शो योर स्माइल शुभम शाह कैसा लग रहा है हार के तो अभी खाना खाने का सीन है लेट्स सी भूख लगी है सो फाइनली वी आर एट होटल आर्या और वेज मिलने का तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो अभी वेज होटल तो वेज है अभी क्या खाएंगे डोसा इडली डोसा पूरी लेते हैं पूरी भाजी ये क्या खाएंगे शुभम ये काम करते हैं मिक्स ले लेते हैं चलिए पूरे धूप में थक गए सब लोग अभी देखते हैं अभी क्या खाने तो मस्त ऑथेंटिक है आई थिंक सो बिल्कुल अभी मस्त लग रहा है ठंडी थक गया गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू डे टू तो कल हम लोग मस्त लुलू मॉल गए थे एंड क्वीन वॉकवे इन कोचिन अच्छा प्लेसेस थे एंड धूप बहुत है यहाँ पे यार धूप से मतलब बहुत ह्यूमिडिटी और धूप है और गर्म मतलब उसकी वजह से बहुत मतलब ये होता है डिहाइड्रेशन एंड सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वाटर बॉटल्स या फिर आप लोगों को सपोज़ किसी को धूप का एलर्जीज या कुछ प्रॉब्लम है धूप का तो यू गाइस कैन कैरी इलेक्ट्रोड और समथिंग और जूसेस वगैरह पीते रहो सो इन जनरल की कोई ड्राई ये गीली चीज़ें ट्राई मतलब खाते रहो या फ्रूट्स वगैरह ठीक है तो वो दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस की लाइक लुलू मॉल गए मस्त बॉलिंग वगैरह किया एंड वेरी गुड बिग मॉल तो एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे
तो कल रात को थोड़ा लेट हुआ आने के लिए, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह मिले एंड ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया रात को, मतलब वी वर चिलिंग, सो गुड टाइम इन कोचिंग। अभी देखते हैं आगे के एक दो दिन है, फिर परसों मतलब दो दिन बाद वी विल बी हेडिंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट ऑन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द एल्गोरिथम प्लीज़, एंड हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू एंड बाय बाय। Bye.